हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूं पबजी मोबाइल के न्यू अपडेट के बारे में। आपको तो पता ही चल गया होगा कि अभी जो पबजी मोबाइल का नया अपडेट है वो आ चुका है। इस अपडेट का वर्जन 0.13.0 है और इस अपडेट में काफी बड़ी बड़ी चीजों को अपडेट किया गया है, जो कि आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक पबजी प्लेयर हो तो, क्योंकि इस अपडेट में काफी इंपॉर्टेंट चीजों को अपडेट किया गया है और काफी ऐसी भी चीजें लाई गई जिसमें अगर आप कोई भी ऐसे चीटिंग ऐप यूज करते हो पबजी को खेलने के लिए तो आपका जो आईडी वो 100% बैन हो ही जाएगा, क्योंकि इस अपडेट में काफी इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड किया गया है जिसकी वजह से पबजी वाले जो है वो काफी आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे कि आखिर आप कौन सी थर्ड पार्टी ऐप को यूज करके पबजी को खेल रहे हो। तो इसलिए अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज करते होगे तो प्लीज उसको बंद कर देना, क्योंकि अगर आपका जो आईडी है तो अगर वो बैन हो जाता है तो आपकी जितनी भी प्रोग्रेस होगी वो पूरी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो भी नहीं मिलेगा आपको वापस। तो इसलिए आप इस बात का काफ़ी ध्यान देना। और भी बहुत से न्यू और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं पबजी मोबाइल में, तो वो सभी अपडेट के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा पबजी मोबाइल के इस न्यू अपडेट के बारे में। और फाइनली वो जो 0.13.0 का अपडेट है वो अभी तक कुछ लोगों को मिल चुका है और वो लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन अभी तक जिन लोगों को नहीं मिला है वो अपडेट, तो वेट कीजिए, आपको जरूर वो अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहला अपडेट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो कि मैं पहले आपको इस वीडियो में बता चुका स्टार्टिंग में ही, कि अगर अब आप कोई भी चीटिंग ऐप यूज़ करते हो पबजी मोबाइल में तो आपका जो अकाउंट है वो 100% बैन हो जाएगा, या फिर अगर आप कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन भी करते हो उस गेम में तो भी आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेके आप काफ़ी सीरियस हो जाइए और अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करते थे पहले तो अब उसको बंद कर दिए यूज़ करना। अब जो सेकंड अपडेट है वो है वीकेंडी मैप को लेके। पहले अगर वीकेंडी मैप में अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी कार वार निकलती थी तो उसके जो प्रिंट्स होते थे, यानी कि जो टायर प्रिंट्स होते थे या फिर जो फुट प्रिंट्स होते थे वो नहीं दिखते थे, लेकिन अब इस अपडेट के बाद आपको वहाँ पे फुट प्रिंट्स देखने को मिल जाएंगे कि जो मतलब कोई भी बंदा अगर गुजरता है वहाँ से तो आपको फुट प्रिंट्स भी वहाँ पे दिखेंगे वीकेंडी मैप में, जो बर्फ होगी उसके ऊपर, और अगर कोई गाड़ी निकलती है तो गाड़ी के जो टायर है उसके निशान भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अपडेट के बाद पबजी मोबाइल को खेला है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको वो अपडेट कैसा लगा। और साथ ही में जो पहले अगर हम किसी भी ऊंची जगह पर चढ़ना होता तो हम काफ़ी जंप और काफ़ी तामझाम करते थे, लेकिन उसके लिए भी अभी इस अपडेट में एक स्पेसिफिक बटन को ऐड किया गया है और जिसके वन क्लिक में आप ऊंची जगह को उस पर आप चढ़ सकते हो। इनके जो थर्ड अपडेट है वो है डेथ मैच को ऐड किया जा रहा है अब इस गेम में। जैसे कि अगर आपने फ्री फायर गेम को खेला होगा तो उसमें पहले से ही ये जो मोड है वो पहले से उसमें अवेलेबल है, लेकिन जो पबजी में है वो अभी आ रहा है डेथ मैच। उसमें क्या होता है कि आपकी जो एक स्क्वाड है और ऐसे दो टीम होती है, उसमें अपने को सामने वाली टीम को किल करना होता है और जितने किल आप करोगे उतना आपको पॉइंट मिलता रहेगा और जिस टीम की ज़्यादा पॉइंट होगी वो टीम जीत जाती है। और इसमें भी आपको वॉर मोड की तरह ही, और अगर आप एक बार किल हो जाते हो तो आपको फिर से लाइफ मिल जाएगी जैसा कि वॉर मोड में होता है। एंड गाइस, जो फोर्थ अपडेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। जैसा कि अगर पहले होता था आपका ही कोई फ्रेंड आपको किल कर दे या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को किल कर देते थे पबजी में, या फिर चाहे वो आप मजाक में करते हो या फिर आप किसी सीरियस वजह से भी कर देते हो, तो उसमें क्या होता था कि पहले कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अगर अभी आपको कोई आपका फ्रेंड किल करता है इन गेम में आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, मतलब आप उसके पॉइंट को डाउन कर सकते हो या फिर आप कोई भी एक्शन लो या फिर ना लो ये आपके ऊपर है, लेकिन अब आपको ये ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आपका कोई टीममेट आपको किल कर देता है तो, जो कि ये भी अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। और आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है जॉम्बी मोड में। जॉम्बी मोड में कुछ चार जॉम्बीज को उसी दूसरे जॉम्बी के साथ रिप्लेस कर दिया गया, मतलब कि जो पुराने चार जॉम्बीज थे उसके बदले कुछ नए चार जॉम्बीज को ऐड किया गया, यानी कि उनको रिप्लेस कर दिया गया है। और जब हम गेम खेलेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा कि आखिर वो कौन से जॉम्बीज चार थे उनको जो रिप्लेस कर दिया गया है। एंड गाइस, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है गॉडज़िला के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा कि 0.13.0 जो अपडेट है ये पूरा बेस्ड ऑन गॉडज़िला मूवी के ऊपर है। ऑल इन ओवर देखा जाए तो ये जो नया पबजी का अपडेट है ये पूरा गॉडज़िला का थीम को ऐड किया गया है। एंड गाइस, ओवरऑल देखा जाए तो पबजी का जो न्यू अपडेट है काफी मस्त अपडेट होने वाला है। एंड पबजी वालों ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि अगर आप इस गेम को 19 जून से पहले अपडेट कर लेते हो तो आपको इन गेम में आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, और वो रिवॉर्ड क्या होगा वो आपको जब वो देंगे तभी आपको पता चलेगा। एंड गाइस, इस अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हो इस वीडियो को नीचे जरूर कमेंट करके बताना। एंड गाइस, बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।